हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय राज कुंडलिया। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है और ये शो करता है कि नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के साथ क्या संबंध है या इसके ऑब्जेक्ट के साथ क्या संबंध है। महेश इज इनसाइड द शॉप, एग्जांपल सेंटेंस है। इसमें क्या है, महेश का जो है शॉप के साथ क्या संबंध है वो कौन बताएगा, इनसाइड। तो यहाँ पर इनसाइड जो है हमारा प्रपोजिशन का काम करता है। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस देखिए, द शॉप इज ऑन द टॉप ऑफ द रोड। यानी जो शॉप का संबंध है वो रोड के साथ क्या है, तो शॉप लाइज ऑन द टॉप ऑफ द रोड, रोड के ऊपर है। तो यहाँ पर ऑन द टॉप जो है वो ये बता रहा है कि भाई शॉप का और रोड का क्या संबंध है। तो ये हमारा ऑन द टॉप आ गया आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है तीन चीजें बताती है। नंबर ये है, एक है आपका मूवमेंट और डायरेक्शन। यानी कि जो डोअर है, जो नाउन है, वो क्या काम कर रहा है और किस दिशा की तरफ उसका मूवमेंट है। रमेश इज गोइंग इनटू द रूम, एग्जांपल सेंटेंस है। तो इसमें जो इनटू है वो डायरेक्शन बता रहा है कि रमेश का डायरेक्शन किस तरफ है। रमेश का डायरेक्शन जो है वो रूम की तरफ है, वो इनसाइड जा रहा है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी आपका मूवमेंट जो है वो इनक्लोजर के अंदर हो, यानी किसी बिल्डिंग के अंदर हो या किसी रूम के अंदर हो, तो उसमें जो है इनटू का यूज होगा। ठीक है, जब ओपन स्पेस पे आप जा रहे हो तो वहां पर ऑन होगा, जैसे ही इज वॉकिंग ऑन द रोड। दूसरा बताता है आपका लोकेशन, एग्जांपल सेंटेंस है यहाँ पर कि राम इज सिटिंग अंडर द ट्री। उसकी लोकेशन क्या है कि ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा। ये माला इज इन द स्कूल, माला कहाँ पर है, माला की लोकेशन क्या है कि शी इज इन द स्कूल। यहाँ पर अंडर और इन जो है वो प्रपोजिशन का काम करते हैं। नंबर तीन, टाइम, यानी समय को बताता है। यहाँ पर पहला एग्जांपल देखिए कि द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock, 9 बजे जो है वो दुकान खुलती है। हरीज बर्थडे इज ऑन 7 o'clock, तो यहाँ पर एट और इन जो है वो टाइम को शो करता है। आपने यहाँ पर एक चीज को जरूर नोट करना है कि जब कभी भी वीक डेज आते हैं, मंथ आते हैं, तो उनमें ऑन लगता है। ठीक है, जब टाइम आता है यानी एट दिस टाइम, तो वहां पर जो है टाइम के लिए हमने जो है एट का यूज करना है। तो आपका जो प्रपोजिशन है वो ये बताता है, मोमेंट डायरेक्शन बताता है, आपका लोकेशन बताता है और आपका टाइम बताता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार एक प्रपोजिशन जो है एक एडवर्ब बन जाता है। इस चीज को ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा सेंटेंस है कि मीना वॉक्स अराउंड द पूल। यानी मीना जो है वो पूल जो है, स्विमिंग पूल है, उसके चारों तरफ घूमती है। अब ये किस प्रकार से जो है, यहां पर जो है प्रपोजिशन जो है वो अराउंड है। अब ये यहां पर प्रपोजिशन के लिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टू क्वालिफाई अ प्रपोजिशन यू नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंट्री। मैं आपको यहां पर ये चीज बताना चाहूंगा, टू क्वालिफाई फॉर अ प्रपोजिशन एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर आपको ये बताना है कि कोई प्रपोजिशन है उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा नाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमने डेफिनेशन आप इसकी देखेंगे जो कि हम कहते हैं कि वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, कि इसका जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले लगना
बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसमेंट ऑफ अ प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशन को जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं आपके वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यानी इसके लिए एक वर्ब का होना भी जरूरी है और एक ऑब्जेक्ट का भी होना जरूरी है। यहां पर वॉक्स जो हमारा वर्ब है और द पूल हमारा ऑब्जेक्ट है, तभी जाके ये अराउंड जो है आपका प्रपोजिशन हो। अगर मैं यहां पर से पूल को हटा देता हूं बिना वॉक्स अराउंड, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इस केस में अराउंड क्या बन जाएगा? अराउंड बन जाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि इसमें एक चीज जो मिसिंग है वो है ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है और प्रीपोजिशन केवल नाउन और नाउन और प्रोनाउन के पहले ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद कुछ है, तो ये वॉक्स को जो है क्वालिफाई कर रहा है कि मीना जो है वॉक्स अराउंड, पर किसके अराउंड घूमती है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है कोई। वॉक्स अराउंड द गार्डन, वॉक्स अराउंड द पूल, वॉक्स अराउंड द मार्केट, या इस तरह का कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये बन जाता है आपका एडवर्ब, क्योंकि ये वॉक को क्वालिफाई करता है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो ऑन प्रपोजिशन। इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें और भी चीजें कवर करनी चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।